Hello everyone, hope you all are fine. Today in this video we are going to learn one famous painting of Bengal School of Art that is Shiv and Sati. So let's we start Shiv and Sati artist has ke Nanlal Bose. Time period of this painting is 1908. Medium is watercolor and Courtesy is National Gallery of Modern Art New Delhi. Subject matter Is painting me Bhagwan Shivko. बैठे हुए और देवी सती को अपनी आर्म्स में लिए हुए दिखाया गया है ये शिव और सती के मेन एपिसोड से रिलेटेड है यहाँ सती की डेथ हो गई है मींस मृत्यु हो गई है इस पेंटिंग का जो सब्जेक्ट मैटर है वो टाइटल से पूरी तरह से मैच करता है यह पेंटिंग मॉडर्न इंडियन आर्टिस्ट नंदलाल बोस की नेरेटिव माइथोलॉजी मीन्स पुरानी कथा से ली गई है डिस्क्रिप्शन यह मोनोक्रोमेटिक पेंटिंग अजंता के चित्रों से इंस्पायर है भगवान के रूप में दिखाने के लिए उनके हेड के पीछे हालो यानी कि प्रभा मंडल को दिखाया गया है एक्सप्रेशन बहुत अच्छे हैं वाइट कलर को दोनों फिगर के माथे पर दिखाया गया है वहीं पर शिव के शरीर पर भी इस शेड को डाला गया है पेंटिंग को ब्राउन मोनोक्रोमेटिक इफेक्ट में बनाया गया है फोरग्राउंड में बादलों का अफेक्ट बहुत इंप्रेसिव है बैकग्राउंड को अट्रैक्टिव बनाया गया है इस पेंटिंग में सती ने अपने शिव के स्वाभिमान मीन सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी सती के पिता दक्ष जो इन दोनों की मैरिज के खिलाफ थे उन्होंने एक महान यज्ञ में शिव को कई अब्यूसिव वर्ड यानी कि अपशब्द कहे उस समय सती ने अपनी आंतरिक शक्ति यानी कि जो उनकी इंस्टिक्ट पावर थी उससे उन्होंने शरीर को आग लगा लिया जिससे उन्होंने अपना जीवन को समाप्त कर लिया इस पेंटिंग में शिवा को सती को अपने आर्म्स में लिए हुए दिखाया गया है ये बैठी हुई मुद्रा में है ये नंदलाल बोस की बेस्ट पेंटिंग में से एक है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के कार्यों से जुड़े होने के बाद समाज में जो पहली आर्ट एग्जीबिशन हुई थी उनमें से 1908 में नंदलाल बोस को इस पेंटिंग के लिए पाँच सौ का पुरस्कार मिला बेंगोल स्कूल की बाकी पेंटिंग्स की एक्सप्लेनेशन के लिए ऊपर आई बटन में क्लिक करें ओके गुड बाय एवरी सी यो नेक्स्ट वीडियो